नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इन माइनस थ्री टू प्लस थ्री। ये सारे अपन अभी एल्जेब्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, दो तीन एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक पे आते हैं। क्या करेंगे, देखिए इंटरवल दिया है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा पूछा है, डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो एफ डैश एक्स मिला एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब एफ डैश एक्स कितना मिला, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। नीचे इमेजिनरी रूट्स हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है। एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करें तो एफ डैश एक्स जीरो जब होगा, जब वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन बिलोंग टू माइनस थ्री टू प्लस थ्री, यानी दोनों ही रूट्स होंगे। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस थ्री माइनस वन वन एंड प्लस थ्री। सारी वैल्यू निकालनी है हमको, सबसे पहले हम निकालते हैं माइनस थ्री, माइनस थ्री निकाला, माइनस थ्री अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन टेन, माइनस थ्री बाय टेन। माइनस वन निकाला, माइनस वन अपॉन टू माइनस वन बाय टू, प्लस वन निकाला वन बाय टू, थ्री निकाला थ्री बाय टेन। अब बताइए मुझे आप कि थ्री बाय टेन करेंगे तो पॉइंट थ्री जीरो हुआ, वन बाय टू करेंगे पॉइंट फाइव, यानी ये बड़ी वैल्यू है तो इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये माइनस पॉइंट फाइव है और ये माइनस पॉइंट थ्री थ्री है, तो नेगेटिव में ये छोटा हुआ, तो इस समय ये हुआ एब्सोल्यूट मिनिमा। यानी हम ऐसा बोलें मैक्सिमम वैल्यू वन बाय टू एट एक्स इक्वल टू वन एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू माइनस वन बाय टू एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो समटाइम्स जो रूट्स निकलते हैं उन पे मैक्सिमा मिनिमा मिल जाता है, कई बार जो एंडिंग इंटरवल होते हैं उन पे भी मैक्सिमा मिनिमा निकल सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बट जब भी इंटरवल दिए हों तो बाय डिफॉल्ट समझ जाओ आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा पूछा है, इंटरवल नहीं दिए हैं तो नॉर्मली लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल रहे होते हैं। नोट करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइव माइनस थ्री साइन एक्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी बहुत सारे कंसेप्ट बनाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप चाहो तो विदाउट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। कैसे, क्योंकि ये साइन एक्स है, साइन एक्स के मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फिक्स होती है, यानी मैक्स वैल्यू होती है वन एंड मिनिमम वैल्यू माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम समझें, जब साइन एक्स की वैल्यू वन है तो एफ एक्स मिलेगा टू, और जब साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन है, डिफरेंशिएशन से तो बता ही सकते हैं पर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में कई बार बहुत लॉजिक्स होते हैं, फाइव माइनस माइनस प्लस थ्री एट, यानी अगर हम इसको लॉजिकली समझें तो मैक्सिमम वैल्यू हुई एट, मिनिमम वैल्यू हुई टू, ये इसका तरीका हुआ। आप डिफरेंशिएट करते तो उससे भी हमें पता चल सकता था, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके करते तो क्या होता, एफ डैश एक्स मिलता फाइव का जीरो माइनस थ्री कॉस एक्स। आप क्या करते, इसको जीरो से इक्वेट किया तो कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। अब कॉस जीरो कई सारे पॉइंट पे होता है, इंटरवल नहीं दिया तो पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू ऐसे चलता जाता है, पर जब इंटरवल नहीं दिया होता तो नॉर्मली हम इंटरवल जीरो से टू पाई लेते हैं, एक साइकिल लेते हैं, साइन एक्स का एक साइकिल जीरो से टू पाई में कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब हम पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू लें। अब देखो अगर मैं पाई बाई टू पुट करूं तो फाइव साइन पाई बाई टू वन होता है तो ये मिला टू,
फिर मैंने लिखा 3π/2, 5 sin 3π/2 -1 तो +3, ये देखिए 8। तो मेथड से तो निकल ही आएगा, पर लॉजिक से भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता सकते हैं, एक बात। दूसरा, इंटरवल नॉर्मली दिए होते ना दें तो आप 0 से 2π का एक पीरियड ले लें, साइन कॉस टेन सभी का एक मिनिमम पीरियड, वैसे टेन और क्वार्ट के पीरियड पाई होते हैं, पर अगर साइन कॉस है तो उसका पीरियड 0 से 2π होता है। आप 0 से 2π के बीच के रूट कंसिडर करके ही वैल्यू निकालें, सारे आगे के रूट्स नहीं निकालना है उन पे, क्योंकि आगे के रूट्स पे भी सेम वैल्यू ही मिलने वाली है।